बैठकर क्या खेले। तो आज हम करने वाले हैं किचन सेट अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं उसमें क्या क्या होगा। तो उसे देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तो स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो खेलने चलते हैं। क्या घर 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 की शुरुआत करेंगे किचन से। वैसे आज तुम बनाने क्या वाली हो? मैं बनाऊंगी अकुंभार दिमाग। देखती हूँ ना। अच्छा राइमिंग। और तुम क्या बनाने वाली हो? मेरे घर में आए हैं मौसी, उनके लिए मैं बनाऊंगी जूस जो कि होएगा बहुत जूसी। बहुत अच्छी राइमिंग थी। हाँ चलो कुछ बनाने से पहले शेफ तो बन जाए। तो कितने सुंदर लग रहे हैं ड्रेस में। चलो अब मम्मी अपने डिश बनाते हैं। हम बनाएंगे हकुम्बर दिमोगा। उसके लिए चाहिए हमें आटा। आटा रखा है ऊपर। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा आटा। डालना तक कम डल गया है ज्यादा। अब खाना पड़ेगा मम्मी का चाटा। पूरा ही खा लिया। तो हम लोग बनाने वाले हैं जूस। थोड़ा नहीं ज्यादा डालना है। अब इसे हम मिलाएंगे। तो अब बनाएंगे मजेदार जूस। wow. कुछ मैस किया। बेहू मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मम्मी आ रही है? ये तुमने पूरे किचन की क्या हालत कर दी है पीहू। नव्या अब से मेरी किचन में नौ घर घर। इस बॉक्स के अंदर क्या है? वो तो खोल के पता चलेगा। चलो इसे अंदर ले चलते हैं। ये बॉक्स बाहर से कितना सुंदर है, अंदर से तो और भी सुंदर होएगा। हाँ जब इसमें से किचन सेट निकलेगा। इसमें से निकला है गैस। ये है फ्रिज का और पीसेस। और ये है ट्रायंगल शेप। ये है पैन। ये कढ़ाई है जिसमें मम्मी कढ़ाई पनीर बनाती है। कढ़ाई का ढक्कन। ये है नट्स। पता है क्यों है? इसे कार्डबोर्ड जुड़ के किचन सेट बनेंगे। ये निकला है कलरफुल टैब। ये कितना प्यारा है। गैस को ऑन ऑफ करने वाला बटन। ये है चिमनी। की शीशी। और ये है छोटी सी पेपर की शीशी। अरे पीहू ये दोनों स्पैचुला हैं। ये है नाइफ जिससे हम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कट कर सकते हैं। देखो ये है मैग्नेट जो हम फ्रिज के डोर पे लगाएंगे। तो अब टाइम आ गया इसको असेंबल करने का। हमारा किचन सेट वुड का है और पता है ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। हमारा किचन सेट हो गया है सेट। अब हम इसके बारे में बताएंगे। ये है अवन। ये है बटन जिससे हम उसकी हीट बढ़ाएंगे। ये मैं फ्रिज के बारे में बताऊंगी। ये है फ्रिज का अपर साइड और ये नीचे का कुछ आइसक्रीम वाइसक्रीम रखने का। ये है चिमनी इससे धुआं ऊपर जाता है। और ये है हमारा सिंक। अभी हम लोगों ने हैंड भी वॉश कर लिया। अब चलो सामान सेट करते हैं। हाँ हमारा किचन सेट तो कितना सुंदर लग रहा है। हाँ। दस दिन बाद तो स्टार नगरी में मास्टर शेफ कंपटीशन। हमारे पास तो किचन सेट है। हम तो हिस्सा लेके ही लेके रहेंगे। चलो फिर रेडी तो हो। लेकिन पिज्जा बनाते कैसे हैं? ये रहे फुक पिज्जा बनाने की। जो जो मैं बोलते ना वो बार निकालते रहना। सबसे पहले निकालो पिज्जा बेस। ले लिया पिज्जा बेस। सॉस लगाओ। अब डालो टमाटो। रुक जाओ। ऑनियन। कैप्सिकम। इसके बाद क्या डालूंगी वो? कॉर्न। कॉर्न? बेटा ना वो COIN होता है
और ना वो CONE होता है, वो होता है CORN, कॉर्न। स्पेलिंग पता चल गई तो डाल दे कॉर्न। हाँ डाल दी ना, गुस्सा कर। अब क्या डाले पीपू? चीज। चीज तो है ही नहीं। रुक अभी निकाल दूँ, इसको पकड़। अब इसमें कुछ नहीं डाला, अब हमने रख दो। हो गया, चलो वेट करते हैं फिर खाने। हाँ। चलो देखते हैं बन गया होगा। ये पिज्जा तो बना ही नहीं और ठंडा भी है। अरे बेटा पकेगा कैसे, आपने ओवन तो ऑन ही नहीं किया। ये सब तेरी गलती है। मेरी गलती कहाँ से आ गई बीच में? उस बुक में लिखा ही नहीं था कि ओवन भी ऑन करना है। आज के दिन तो पिज्जा ही नहीं बना, कल तू ही बनाई हो। चलो आज बनाएगी मास्टर शेफ पिहू पिज्जा। तेरी ना खुशबू से नाक भर जाएगी। ये निकाला हमने बेस, पहले हम लगाएंगे। हम डालेंगे पहले कॉर्न, अब डालेंगे हम इसमें कैप्सिकम, अब डालेंगे टमाटर, चीज। इस बार ही नहीं भूलेंगे चलाना। हाँ टेम्परेचर ऑन करना, नहीं तो फिर से कल की तरह हो जाएगा। 1 2 3 गुड। देखा खुशबू आई ना? हाँ लेकिन थोड़ी सी जलने के बाद भी आई है ना। और ये दोनों कोशिश तो करते रहे, लेकिन देखते हैं कि इनसे परफेक्ट पिज्जा बना कि नहीं। आज भी इतना गंदा पिज्जा बनाया, लगता है हमें पिज्जा बनाने की कोशिश छोड़ देनी होगी। नहीं पीहू, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कल फिर से ट्राई करके देखते हैं। और आखिर में दोनों की मेहनत रंग लाई और उन्होंने बनाया एकदम परफेक्ट पिज्जा। ये देखो पिज्जा टेंट है। ना ही तो इस बार ये जला है, ना ही तो कच्चा है, और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। लो टेस्ट करे। सच में बहुत टेस्टी बना है, तू भी खा ले। बहुत टेस्टी है। तो चलो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने चलते हैं। चलो नहीं तो लेट हो जाएंगे। अरे रुको, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को